सर मुझे आपने देखा योगी आदित्यनाथ किस तरह रो रहे हैं, किस तरह परेशान हैं। पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के बाद मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूँ, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूँ या नहीं हूँ, और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूँ। छोड़िए, कोई महत्व नहीं रखता महोदय। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए, मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय। जब सपा की सरकार थी, योगी आदित्यनाथ जी को बहुत परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया, जेल भेजा गया। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने अपनी बात को रखा। योगी आदित्यनाथ ने उसी समय ठान लिया था कि आगे क्या करना है, और जो रणनीति बनाई योगी आदित्यनाथ ने वही किया। योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार बनाई और चुन चुन कर बदला लिया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को बहुत परेशान किया, बहुत टॉर्चर किया गया, बहुत प्रताड़ित किया गया। योगी आदित्यनाथ ने सबके सामने अपनी बात को भी रखा था और ये भी बताया था कि उनके साथ क्या हुआ। योगी आदित्यनाथ ने जो एक बार ठान लिया, जो एक बार कह दिया, वो पत्थर की लकीर होती है, उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं डाल सकता, वो होगा और होकर रहेगा।